जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को ऐसी जगह पर लेकर के आया हूं जहां से आप डिलाइट हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं दिलवाऊंगा। देखिए, प्रॉपर मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं और प्रीमियम क्वालिटी की यहाँ पर कुर्ती आप लोगों को मिलती हैं। आप मैडम को जानते भी होंगे, हमारे साथ समीक्षा जी हैं और वीडियो में इनको आपने काफ़ी बार देखा भी होगा मेरे वीडियोज़ के अंदर, तो यू कैन गेट आइडिया कि कैसी क्वालिटी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो समीक्षा जी से थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्वालिटी के मामले में आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को कलर की फुल गारंटी मिलेगी, स्टिचिंग की, या जैसे कुर्तियाँ वगैरह जो होती हैं जो साइड से जैसे फट जाती हैं, सिलाई की तरफ से थोड़ा सा ख़राब हो जाती हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम इन कुर्तियों में आने वाली नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्लास क्वालिटी का फैब्रिक जो है ये लोग कुर्तियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशल क्या है जो मैं आप लोगों को स्पेशल कह रहा था? स्पेशल ये है कि अभी देखिए दीपावली का सीज़न आ रहा है, और पहले जो मैंने वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ के दिखाए थे उसमें इनके जो बचे हुए पीसीज होते थे तो वो पीसीज आप लोगों तक पहुंचाए जाते थे, होते फ्रेश ही थे लेकिन साइज़ में कुछ बच जाते थे, लाइक एक साइज़ में दो पीसीज मान लो कि इनके बच गए तो वो पीसीज आप लोगों तक पहुंचाए जाते थे। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सब कुछ फ्रेश मिलेगा, जितना भी फ्रेश आइटम है उस हर फ्रेश आइटम में से आप लोग कोई भी दो पीस सेलेक्ट करके, दो साइज सेलेक्ट करके माल बाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम परचेजिंग क्वान्टिटी 50 पीस की रहेगी। तो ज़्यादा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बोलूँगा, एक बार मैं आपको मैम से मिलवा देता हूँ। थ्रेड्स ऑफ इंडिया की हेड मर्चेंडाइजर हमारे साथ हैं समीक्षा जी। समीक्षा जी कैसी हैं? बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे? बस एकदम बढ़िया। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए आज क्या धमाका करने वाले हैं आप लोग। जैसे कि अभी बताया है आपने ही सबको कि बहुत स्पेशल ऑफर इस बार, पहले जो ऑफर्स दिए उससे भी बहुत स्पेशल ऑफर है इस बार। हम लोग जो फ्रेश स्टॉक है स्पेशली सिर्फ दिवाली के ओकेजन पे, जैसे कि आपने रिक्वेस्ट करी थी उसकी वजह से हमने निकाला है, सबको फ्रेश स्टॉक में मिलेगा। और ऑफर इतना अच्छा है कि फ्रेश स्टॉक आपको सिर्फ 50 पीस ही लेने हैं, उसमें कोई ज्यादा फाउंडेशन भी नहीं है। और एकदम जो पार्टी वे, मैं आपको सिल्क की वैरायटीज भी दिखाने वाली हूँ, हैंडलूम सिल्क में प्लस कॉटन में भी हमने बहुत डिजाइनर पीसेस, टू पीसेस वगैरह में निकाले हैं, बहुत ही स्पेशल, जो पार्टी वेयर में भी, कैजुअल में, सेमी कैजुअल में आप हर तरीके से वेयर कर सकते हैं। और जैसे जो सिल्की क्वालिटी है मेरे ख्याल से बिल्कुल ओरिजिनल प्योर सिल्क होता है ना मैडम? सर एक्चुअली वो हैंडलूम सिल्क है, हैंडलूम सिल्क, हाँ, जो हैंडलूम सिल्क है वो हैंडलूम पे वीव्स होते हैं, जो आपको अभी दिखाऊंगी मैं, आप देखेंगे उस पे टेक्सचर्स आ रहे होंगे, उससे आपको पता चलेगा देख के कि हाँ वो हैंडलूम में है। अच्छा, और बाकी साइजेस हमारे पास चारों अवेलेबल होंगे, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, चारों साइज में होगा, आप कोई से भी दो साइज ले सकते हो इसमें। एक डिजाइन के अंदर कोई दो साइज लेने कंपलसरी है? दो साइज कंपलसरी है, चारों साइज में से आपको जो सुटेबल हो, लाइक बड़े साइजेस, छोटे साइजेस, आप मिक्स मैच करके ले सकते हो। तो मैम ठीक है, एक बार कुछ सैम्पलिंग दिखा देते हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक बार दोबारा से स्पेशली मैं ये चीज़ ब्रैकेट में डाल के आप लोगों को नोटिस करवाऊंगा कि क्वालिटी के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्वालिटी बहुत अच्छी इनके पास होती है। तो क्वालिटी के रिगार्डिंग आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई कस्टमर्स जो हमसे एक बार के लिए जुड़ते हैं वो हमेशा के लिए जुड़ते हैं, वो रेगुलर हमसे मंगवाते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ये कहूँगी कि आप एक बार अगर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप परचेज अगर आके करते हैं वो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज आप मंगवा भी सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, बस मिनिमम क्वांटिटी आपकी वही रहेगी, 50 पीसेस। हाँ वही, कलर में, कलर का और श्रिंकेज वगैरह का ये सब मैं आपको डिटेल्स बताती रहूँगी अभी दिखाते साथ में कुर्तीज के साथ में क्या है, बाकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है मैम, चलिए सैंपल देख लेते हैं एक बार। श्योर सर, पहले मैं आपको सिल्क की वैरायटीज दिखाने वाली हूँ। हैंडलूम सिल्क का जो मैंने अभी जिक्र किया था आप सबके सामने, हैंडलूम में सारी वैरायटीज मिलेंगी, हल्के फुल्के एम्ब्रॉयडरीज, प्रिंटिंग, इस सब का मिलेगा। और इसकी जो रेंज है वो 695 से स्टार्ट है 895 तक सिल्क वाली की जी। और कॉटन की सेम रहेगा जी। और उसकी कॉटन की क्या रेंज स्टार्ट है? सर कॉटन की रेंज स्टार्ट होती है हमारी 410 से आपकी 750 तक की रेंज, 750 कॉटन की जी। दिखाएं मैम सैंपल दिखाएं। ये देखिए सर, आपने देखा होगा कि अब इसका जो मैं आपको जिक्र करी थी, देखिए टेक्सचर आप देखिए कुर्ती का, हाँ जैसे खादी के टाइप से जैसे जो हाँ, रेशे दिखाई दे रहे हैं इसमें, टेक्सचर में आएगा, हैंडलूम सिल्क में आएगा। जो सिल्क की कुर्ती है सारी सिर्फ ड्राई क्लीन के लिए है,
ये मैं कस्टमर्स को पहले ही बताना चाहूंगी क्योंकि सिल्क आपको पता है बहुत ही डेलिकेट फैब्रिक होता है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना होता है। ड्राई क्लीन के लिए होगा तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। अच्छा, तो मतलब ये हैंड वॉश नहीं करते इसको? नहीं सर, ड्राई क्लीन होगा। ये सिल्क का सारा जो मैं दिखाने वाली हूँ सब ड्राई क्लीन का, सब ड्राई क्लीन का माल है जी। और आप देखेंगे कलर्स भी बहुत प्रीटी कलर है, बहुत ही ब्राइट और रिफ्रेशिंग कलर और शेड है। कलर और क्वांटिटी है वो क्वालिटी के लिए तो कहने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, कलर और क्वालिटी तो बढ़िया ही होती है। दिखाए थे स्टाइल नंबर है हर कुर्ती पे, स्टाइल नंबर लिखा होता है प्लस साइज होगा और कितना पीस है। और MRP हम लोग नहीं लिखते हैं, MRP आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, मतलब जो भी कस्टमर को लगाना है। ठीक है मैम, दिखाए नेक्स्ट। ये देखिए सर, इसके बैक में बटन दिया गया है। एक मिनट मैम, ये अच्छा ठीक है। और इस पे आप देखोगे पूरे जो फ्रंट के पैनल पे है उसे पूरी बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी कराई गई है सेम उसमें, ताकि वो चीज निकल के आ रही है एकदम, पहन के पीस बहुत स्मार्ट लगेगा। बहुत बढ़िया मैम, आप वहीं पीछे से ही दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सामने आने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। देखिए ये भी सिल्क में है, इसका भी आप देखेंगे ये जो आगे टेसल्स वगैरह जो भी बटन्स हमने लगाए हैं ये सब ब्रास निकल, तो हम बटन्स जो भी एक्सेसरीज जो हम यूज करते हैं सारी उसी क्वालिटी में है। इसमें भी आपको खराब होने की या कवरिंग निकलने की वैसे मीन्स ये ओरिजिनल है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक व्लास्टिक है, जो भी कुछ है ये ओरिजिनल ब्रास है। हम लोग इस टाइप की चीजें यूज करते हैं और इसका थोड़ा सा वेस्टर्न लुक दिया गया है। इसको आप देखोगे नीचे आप स्कर्ट के साथ प्लाजो के साथ वेयर कर सकते हो, पार्टी के लिए बहुत ही स्मार्ट है। ऊपर कुछ मिक्स मैच करके दुपट्टा ले लिया प्लस आगे प्लीट के साथ इसका लुक दिया गया। बढ़िया मैम, नेक्स्ट दिखाएं। ये भी सिल्क में है, इसको भी थोड़ा डिफरेंट लुक दिया गया है, आगे थोड़ा एप्लीक वर्क करके डिफरेंट जो सिल्क का फैब्रिक है जो आप देखते हो आगे जो पैचेस आपको दिख रहे हैं ये भी सिल्क में है और कुछ डिफरेंट इंग्लिश शेड्स में हमने ये दिया हुआ है। काफी आपको हमारे पास जो भी मिलेंगे सारे डिफरेंट शेड्स और काफी अच्छे शेड्स मिलेंगे। बहुत अच्छा मैम, नेक्स्ट दिखाएं। ये देखिए ये वाला पीस बहुत ही स्मार्ट पीस है, इसमें मेरे पास दो कलर्स और भी अवेलेबल हैं और इस पे प्लस आप देखिए इसका टेक्सचर देखिए और इस पे आगे फ्रंट पे जो वर्क करवाया हुआ है ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, जो इस पे गोल्डन टच किया हुआ है ना, ये यही इस कुर्ती को बहुत ही एलिगेंट बना रही है और बहुत ही सुंदर शेड और इसके साथ कॉम्बिनेशन और बहुत प्रीटी लग रहा है। इसमें जो दो शेड्स है वो मैं आपको दिखाती हूँ, दिखा दीजिए। अच्छा दूसरी शेड इसके अंदर ये है, ये सेकंड है एंड प्लस ये थर्ड शेड। अच्छा थर्ड शेड भी है इसके अंदर, बहुत बढ़िया, वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए इस पर भी हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है, बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी, आप थोड़ा सा ज्योमेट्रिक फ्लोरल से शेड्स में आप देखेंगे उसमें है और बहुत ही प्रिटी कलर है, बहुत एकदम जो पार्टी वेयर के लिए लोग मांगते हैं ब्राइट और यूनिक शेड्स मांगते हैं उस टाइप का कलर है। बहुत अच्छा मैम, नाइस। जी ये भी सिल्क में है, आप देखेंगे आगे इसी कुर्ती ऐसी है कि आप थोड़ा सा कैजुअल में सेमी कैजुअल में आप उस तरीके से भी वेयर कर सकते हैं उस कुर्ती को, बहुत ही स्मार्ट लुक है इस कुर्ती का भी। बेसिक जो आप हमारी कुर्ती में देखेंगे हम डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह यूज करके फिर कुर्तीज बनाते हैं, इसमें आप देखेंगे आगे फ्रंट पे जो नेक पे दिया गया है काफी डिफरेंट लुक दिया गया है इसको, प्लस पाइपिंग के साथ दूसरे कलर के जो हमने दिए हैं नेक पे और स्लीव्स पे उसके साथ इस कुर्ती का बहुत ही एलिगेंट लुक आ रहा है। वाओ मैम, वेरी नाइस। ये वाला पीस देखिए, इसको हम थोड़े टू पीस लुक में दिया हुआ है, ये अंदर से आप देखेंगे ये वैसे अटैच है। अच्छा ये अटैच है इसके अंदर? हाँ, अटैच है इसके अंदर, लेकिन इसका लुक ऐसा आएगा वेयर करने के बाद कि ये अलग से जैसे वेयर किया हुआ है इसके। वाओ वेरी नाइस। ये देखिए ये कुर्ती जो आप देख रहे हो उसमें पूरे पे एप्लीक वर्क करवाया हुआ है, ये इस पे आप देखोगे हल्का सा मिरर टाइप का और दूसरे प्रिंट्स के पैचेस दिए गए हैं और आप किसी के साथ भी मिक्स मैच करके वेयर कर सकते हो किसी सिल्क के दुपट्टे के साथ, बहुत ही स्मार्ट वेयर लगेगा। ठीक है मैम, वेरी नाइस। ये भी सिल्क की कुर्ती है, इसके पे पूरे पे एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है पूरे फ्रंट पे, काफी बारीक और जो शेड्स यूज किए गए हैं कॉम्बिनेशन में इस कुर्ती को और ज्यादा स्मार्ट बना रहे हैं।
मैम एकदम रिच लुक कुर्ती है, वेरी नाइस, बिल्कुल। जो शेप्स आपको हमारे पास मिलेंगे वो भी बहुत ही डिफरेंट शेप्स मिलेंगे। ये जो कुर्ती है ये टू पीस में है, नीचे से इनर है, स्लीवलेस इनर है, ऊपर से जैकेट आएगी। अच्छा, मतलब ये कुर्ती श्रग के साथ है, बिल्कुल ये भी सिल्क में ही है? हाँ सर, ये भी सिल्क में, इनर जैकेट जो है दोनों सिल्क में है। अच्छा, थोड़ा सा आपको शायद लुक समझ में आया इसका। ठीक है मैम, समझ गया। वैसे भी क्वालिटी अच्छी है तो लुक तो डेफिनेटली अच्छी होती है। जी, एक सेकंड शेड ये है। हाँ, मतलब एक तरीके से इसके अंदर कलर्स इसके अंदर मिल जाएंगे अलग अलग, सेम डिजाइन है उसमें कलर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है मैम, ये सेकंड शेड है इसका। ओके, ये देखिए ये सिल्क में है और इसमें आप देखोगे काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने प्रिंट्स यूज किए गए हैं, थोड़ा टेक्सचर अलग है और बहुत ही रिच कलर है इसका। इस टाइप के शेड्स आजकल बहुत इन है। बस सामने प्लैकेट दी हुई है, प्लैकेट पे वुडन बटन्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये प्रॉपर वुडन के बटन है। ये बहुत खूबसूरत लग रही है। ये भी उसी में ही है क्या बोलते हैं? बिल्कुल सर, ये हैंडलूम सिल्क में ही है, फैब्रिक पर ये प्लस का बहुत ही रिच शेड है। आप देखोगे ना मरून शेड में बहुत ही डिफरेंट और रिच शेड जो है वो हमने बनवाया है। देखिए ये पैच ही जो है कितना खूबसूरत लग रहा है। सर ये पैच नहीं है, इस पे फैब्रिक पे ही हमने करवाया। अच्छा, ये फैब्रिक पे ही आपने इस तरीके से किया, ये पैच नहीं है? एम्ब्रॉयडरी करके उसके बाद ये एप्लीक वर्क करवा के पूरा हमने करवाया, प्लस नीचे टैसल्स के साथ इस कुर्ती का लुक है। बहुत खूबसूरत लग रही है, लिटरली वेरी नाइस। ये भी सिल्क में है, आप देखोगे ना जैसे आप हैंडलूम का मैं बता रही हूँ आपको, टेक्सचर और बहुत ही अलग अलग तरीके के आपको मिलेंगे इसमें। छोटे छोटे से स्क्वायर्स का आपको दिखेगा कि वैसे सब बना हुआ है, प्लस हल्का सा हमने पाइपिंग देके आगे थोड़ा डिफरेंट शेड देके और प्लस एम्ब्रॉयडरी है फ्रंट पे वो सब देके इसका बहुत ही स्मार्ट लुक दिया। वेरी नाइस मैम। इसमें भी दूसरे शेड है मेरे पास जी, ये सेकंड शेड है। ठीक है मैम, एक ये देखिए, ये भी काफी हैंडलूम सिल्क में है लेकिन आप इसको देखोगे ना बहुत ही स्मार्ट लुक, इसको कॉलर के साथ थोड़ा सा प्रिंट हमने मिक्स किया है इसके साथ थोड़ा डिफरेंट शेड देने के लिए, प्लस आगे इन्वर्टेड प्लीट हमने दी है। अच्छा, जिससे जो वियर करेगा तो इसका लुक बहुत स्मार्ट लुक आएगा। वेरी नाइस, ये भी बहुत रिच शेड है, बेज कलर में है। प्लस आप आगे देखोगे ये जो हमने वर्क करवाया हल्का सा थ्रेडिंग करके थोड़ा सा वुडन बटन्स प्लस लेदर के साथ हमने आगे इसके फ्रंट ब्रैकेट पे लुक दिया है, इससे कुर्ती बहुत ही स्मार्ट लग रही है, ये हर एज ग्रुप पे चलेगा। ठीक है मैम, वेरी नाइस। ये देखिए सर, ये भी सिल्क में है, इसमें आप देखोगे फ्रंट में प्रिंटिंग करवाई हुई है प्लस मेटल बटन्स यूज किया है प्रिंटिंग। आप देखोगे बहुत ही जो कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ कलर्स का बहुत ही प्रीटी लग रहा है। बहुत इस कुर्ती में बस एक सेकंड शेड भी है, दिखाएं ये है और एक ये शेड है। अच्छा, ये दो शेड इसके अंदर मिल जाएंगे, दो शेड इस कुर्ती में आपको मिलेंगे। बहुत खूबसूरत मैम, वेरी नाइस। ये भी सिल्क में है, हैंडलूम सिल्क में है, प्लस आगे इसका आप देखिए जो हमने बटन्स थोड़ा सा डिफरेंट लुक अगर देना चाहे कुर्ती को तो इस टाइप का जो डिफरेंट लुक दिया गया है हमें डिफरेंट डिफरेंट बटन्स और उस टाइप की यूज करके इससे बहुत स्मार्ट लगती है। मतलब बटन्स भी एकदम ओरिजिनल लगाते हैं आप, ओरिजिनल लगते हैं, ये भी खराब नहीं होंगे आपके। लकड़ी बोला तो लकड़ी के ही है, वुडन बोला तो जैसे प्लास्टिक है वो हम जो लोग लगा देते हैं बोलते भी है लेकिन उसकी कवरिंग निकल जाती है खराब हो जाते हैं वो सब चीजें हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है मैम, ये एक कलर है, इसमें दो शेड्स और है मेरे पास। एक तो ब्लू में है, ठीक है, एंड प्लस वाओ तीनों कलर्स बहुत अच्छे हैं। आप देखोगे ना बहुत ही जैसे येलो बोलोगे तो अब ये प्रॉपर येलो नहीं आएगा, इसमें भी काफी डिफरेंट शेड है जो इसका टेक्सचर है उसके साथ बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। वाओ लिटरली बहुत बढ़िया मैम। ये देखिए ये बहुत स्मार्ट कुर्ती है, बहुत ही एलिगेंट सिंपल एंड रिच लुक जो आ रहा है इस कुर्ती में वो आ रहा है, प्लस जो ऑफ वाइट के साथ इस पे ब्लैक का प्रिंटिंग करवाई हुई है उससे इसका बहुत ही रिच लुक आ रहा है। बहुत अच्छा मैम, वेरी नाइस। देखिए टू पीस में है मेरे पास, इस
इसमें ऊपर से ये जैकेट है, शॉर्ट जैकेट है और नीचे से ये इनर। आजकल इनको मोदी जैकेट बोलते हैं ना। जी। फेमस है इस नाम से भी। ये प्लेकेट के साथ है, इसमें भी हमने मेटल बटन यूज किए हैं, पाइपिंग के साथ लुक दिया गया है, प्लस ऊपर से ये जैकेट आएगी, ये सिल्क में है और नीचे जो है इनर जो है वो कॉटन में है और ये ऊपर जैकेट जो है वो सिल्क, जैकेट सिल्क में है। वेरी नाइस। और नीचे स्लीव्स के साथ इनर है। और जैकेट पे इस पे बैक पे बटन है। अच्छा जी, ठीक है ना, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, जैकेट सेम है, जो इनर का कलर है वो डिफरेंट है। ठीक है, देखिए ये भी हैंडलूम सिल्क में है। इसके आगे आप देखोगे पूरा एम्ब्रॉयडरी करवाया हुआ है फ्रंट में, और जो शेड्स यूज किए हैं थोड़े सा सिमिलर से शेड्स यूज किए हैं ताकि बहुत ही स्मार्ट लुक आए, बहुत बढ़िया। प्लस इसके बैक में बटन दिया हुआ है। ये भी बहुत ही ब्राइट और जो लोग मानते हैं इस टाइप के कलर से बहुत सुंदर लुक में है ये वाला। बस आगे थोड़ा सा प्रिंट का लुक दिया है इसको ताकि वेयर कर सके लोग पार्टी में भी और थोड़ा कैजुअल लुक में भी वेयर कर सके। बहुत अच्छा मैम। ये कुर्ती मैंने आपको मरून में दिखाई थी, इसका सेकंड मस्टर्ड में कलर है, ये कॉलर लुक में ही है, वही जो मैंने आपको दिखाया था इन्वर्टेड प्लीज के साथ। ठीक है मैम। आप देखिए इसका भी बहुत ही डिफरेंट और सुंदर टेक्सचर है और इसका कलर बहुत ही डिफरेंट कलर है। इंग्लिश शेड्स जो है वो हमने यूज कर रहे हैं इस वाले स्पेशल स्टाइल में। एक ये है और मेरे पास एक और शेड इसका अवेलेबल है। प्लस आगे फ्रंट में आप देखोगे फ्रंट में और स्लीव्स पे मिरर वर्क करवाया हुआ है। बहुत अच्छा मैम। एक ये शेड है और सेकंड एक ये शेड है। ये की कुर्ती देखिए, ये भी सिल्क में है, इसका भी टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट है। आप देखोगे इसमें आपको हल्का सा कहीं कहीं स्क्वायर स्क्वायर सा नजर आएगा टेक्सचर में। और प्लस ऊपर जो है योक पे हमने प्रिंटिंग करवाई हुई है, प्रिंटिंग करके पाइपिंग के साथ इसका लुक दिया हुआ है। ये भी मेरे पास एक और कलर में अवेलेबल है, दिखाएं। एक ये जो भी कुछ यूनिक पसंद करते हैं, एलिगेंट पसंद करते हैं तो वो इस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि हमने दिखाई है कुर्तीज भी पहले और लोगों की बहुत ज़्यादा ही अच्छी डिमांड आई है। बहुत अच्छा। ये देखिए इस पे आप देखोगे इसका कलर बहुत ही सुंदर प्रीति कलर है, ग्रीन का एक शेड हमने दिया है, प्लस आगे प्रिंटिंग करवाई हुई है और जो टेक्स्चर है इस क्लोथ का अपने आप में बहुत ही सुंदर है। इसमें मेरे पास एक और शेड है, दिखाएं। एक ये है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जी सर, अब मैं आपको कॉटन की वैरायटीज दिखाऊंगी। कॉटन की सब बहुत सारी वैरायटीज है मेरे पास, लाइक कॉटन लिनन, कॉटन बॉबिन, कॉटन सैटिन, कॉटन शैम्बली, बहुत वैरायटीज आती हैं, सब में दिखाऊंगी। और इसमें जो रेंज है वो 410 से स्टार्ट है, 410 से 750 तक की रेंज है। ठीक है, ये देखिए ये कॉटन पॉपिन में है, प्लस आगे आप देखोगे मेटल बटन्स के साथ इसका लुक दिया गया है, प्लस बोथ साइड पॉकेट्स है और आगे इन्वर्टेड प्लीट है, थोड़ा सा वेस्टर्न लुक में दिया गया है, बहुत ही स्मार्ट पीस है। और इसमें एक और कलर आएगा मेरे पास जी, एक ये शेड है और एक ये नेवी में है। ठीक है, दो शेड में है ये वाला। एक ये देखिए ये कॉटन लिनन फैब्रिक में है, बहुत ही आप फील करके देखिए, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है ये। और प्लस फ्रंट में इसमें एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है, आप देख सकते हो, बहुत ही स्मार्ट लुक आएगा और बहुत ही डिफरेंट शेड है इसका। वेरी नाइस मैम। ये देखिए ये कॉटन सेटिन फैब्रिक में है, प्लस इसमें आप देखोगे आगे थोड़े से बेल्ट का बकल के साथ इसका लुक दिया गया है, काफी डिफरेंट इंग्लिश शेड्स यूज किए हमने कॉटन की कुर्ती में भी, आपको बहुत ही डिफरेंट हर पैटर्न आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखेगा, उसमें कुछ अलग दिखेगा। ये देखिए ये ए लाइन में है और कॉटन शैम्बरे में है, जैसे आप देखेंगे इसमें भी वही टैगिंग है, इसमें भी स्टाइल नंबर और फैब्रिक सब कुछ लिखा हुआ आएगा इसमें, और नीचे भी हमारा थ्रेड्स ऑफ इंडिया की जो टैगिंग होती है वो आपको मिलेगी। ठीक है मैम।
ये देखिए ये कॉटन पॉपलिन फैब्रिक में है जी। इसमें ब्लैक और ग्रे के थोड़े डिफरेंट प्रिंट्स यूज करके इसको थोड़ा डिफरेंट लुक दिया गया है। आगे प्लैकेट का लुक है, बहुत ही स्मार्ट आ रहा है। बहुत अच्छा मैम, वेरी नाइस। देखिए ये मोडाल फैब्रिक में, रेयॉन फैब्रिक सुना होगा सबने, थोड़ा सा हाई क्वालिटी में आ जाता है मोडाल, उस फैब्रिक में हम लोग बनाते हैं, रेयॉन हम लोग नहीं बनाते हैं। और थोड़ा डिफरेंट प्रिंट्स यूज करके थोड़ा कैजुअल से लुक में, सिंपल से लुक में कई लोग डिमांड करते हैं, तो उस लुक में हमने कुर्ती बनाई। ठीक है मैम। देखिए इस कुर्ती में आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न हमने दिया गया है कि ये स्लीव्स में इसका थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, प्लस आगे भी पिनटेक्स और नेक का डिज़ाइन जो आप देखेंगे एक तरफ थ्रेडिंग करवा के डिफरेंट लुक है, प्लस पीछे से भी इसका बैक में भी पिनटेक्स दी हुई है। ठीक है मैम। देखिए ये भी कॉटन पॉपलिन में है, इसमें भी डिफरेंट प्रिंट्स यूज किए गए हैं, काफ़ी सुंदर से मिक्स मैच करके किया गया है जिससे इस कुर्ती को बहुत ही एलिगेंट लुक मिला है, प्लस इसके बैक में भी बटन्स हैं। ठीक है मैम। आप देखेंगे ये भी कॉटन पॉपलिन में है, तो इसको थोड़ा सा एसिमेट्रिक सा लुक दिया गया। आप देखेंगे फ्रंट में जो डिजाइनिंग है, जो पैटर्न है, थोड़ा एसिमेट्रिक सा लुक है इसका, प्लस कप की स्लीव्स है इसके। ठीक है मैम। देखिए बहुत ही डिफरेंट शेड है, काफी लोग पसंद करते हैं शेड को, भी सब पे सूट करता है। प्लस आगे आप देखेंगे थोड़ा सा पैनल पैटर्न में थ्रेडिंग के साथ और स्लीव्स में भी वैसे लुक दिया हुआ है, सिंपल सोबर एंड बेस्ट, वेरी नाइस। ये भी कॉटन पॉपलिन फैब्रिक में है जी, प्लस आगे ब्लैकेट के साथ इसको बहुत ही सिंपल सा लुक है, लेकिन बहुत ही एलिगेंट लगता है ये वाला, और हर किसी पे सूट करता है। बहुत अच्छा मैम। ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा हमने इसको डिफरेंट दिया है, कॉटन ट्विल फैब्रिक में है, कॉटन ट्विल प्लस कॉटन हेरिंगबोन का यूज किया है हमने इसमें, और डिफरेंट प्रिंट करके बोट नेक के साथ ये बनाया है ताकि किसी के साथ मिक्स मैच करके वेयर कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट लुक आएगा। बहुत अच्छा मैम, वेरी नाइस। ये देखिए ये एक और डिफरेंट शेड है, ग्रीन का ये शेड है, थोड़ा सा इंग्लिश शेड में ही आएगा। प्लस आगे इसके प्लैकेट के साथ इसमें मेटल बटन्स है, प्रिंट है, और पीछे बैक में हमने ये प्लेन फैब्रिक दिया। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये देखिए थोड़ा सा ड्रेस पैटर्न में है कि आप ड्रेस पे वेयर कर सकते हो, कुर्ती गर्लिश काइंड ऑफ है, गर्लिश लुक में है, इसके अंदर शॉर्ट स्लीव्स आएंगी, कोई अटैच करके वेयर करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है। ये भी देखिए भी ग्रे शेड में है, कॉटन शैम्ब्रे फैब्रिक में है, इसको भी साइड में बकल देके कि कोई बेल्ट के साथ वेयर करना चाहता है वैसे भी कर सकता है, या फिर और इसके अंदर शॉर्ट स्लीव्स भी आएंगी। ये देखिए ये भी कॉटन पॉपलिन फैब्रिक में है, इसमें भी डिफरेंट प्रिंट्स यूज करके हमने बनाया है, लेकिन स्टिल ये बहुत ही एलिगेंट लुक देती है वेयर करने के बाद। वाओ। ये देखिए ये भी कॉटन पॉपलिन फैब्रिक में है, इसको आप देखोगे थोड़ा सा एसिमेट्रिक सा लुक दिया गया है, साइड में थोड़ा सा पैनल देके थोड़ा डिफरेंट फैब्रिक का लुक देके, जिससे ये बहुत ही स्मार्ट लग रही है। बहुत अच्छा मैम, वेरी नाइस। देखिए ब्राइट येलो की शेड में है, प्लस प्रिंट यूज किया गया है ऊपर, इसके लुक जो दिया गया है थोड़ा टू पीस वाला लुक दिया गया है, फ्रंट में भी और बैक में भी, जब वेयर करेंगे तो ऐसा लुक आएगा कि जैसे ऊपर से कुछ और श्रग पहन रखा है, जैसे वो किया या जैकेट वेयर किया, जैकेट वेयर किया है। ये भी डेनिम फैब्रिक में है, बीच में डेनिम और कॉटन पॉपलिन का है, प्लस जो मैं आपको बताई थी ट्रिम्स एक्सेसरीज वगैरह वो भी काफ़ी हम लोग हाई क्वालिटी की यूज़ करते हैं, ब्रास की होती है कि जो टीथ होते हैं बेसिकली वो ख़राब होते हैं जिप्स के, तो इसका वैसे ख़राब होने का टूटने का कोई डर नहीं है, प्लस कॉटन पॉपलिन फैब्रिक में है और डेनिम में है और पॉकेट्स के साथ है, वेरी नाइस। ये भी कॉटन पॉपलिन कॉटन शैम्ब्रे में है और आगे प्लैकेट के साथ है, थोड़ा सा नीचे से जो फ्रंट का लुक है, फ्रंट थोड़ा शॉर्ट में है, बैक थोड़ा लॉन्ग में, इस टाइप के डिजाइन आज भी बहुत इन है, उस लुक में दिया गया डिफरेंट तरीके से स्ट्राइप्स यूज कर। बहुत बढ़िया। एक ये देख सकते हैं आप, ये ए लाइन पैटर्न में है और साइड में इसके नॉट आएगी, साइड में गैदर्स दिए हैं तो साइड में नॉट आएगी, और फ्रंट में जो बटन्स हैं ये शेल बटन्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ब्लैकेट में शेल बटन्स है। आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने भी यही पहनी हुई है? हाँ सर, ये इसका दूसरा प्रिंट मैंने वेयर किया हुआ है। अच्छा। और एक प्रिंट ये है इसमें और एक प्रिंट जो मैंने वेयर किया हुआ है वो है।
बहुत अच्छा। तो मतलब आप भी यहीं की जो है कुर्तियाँ यूज़ करती है पहनने के लिए? हाँ, कि मैं बता रही हूँ क्वालिटी बहुत अच्छी है और पहन के जो लुक आता है वो किसी और कुर्तीज में नहीं आता, क्योंकि क्वालिटी फिनिशिंग से एक डिफरेंट लुक मिलता है जो वेयर करता है उसको, तो वो इसमें है। और ये दूसरा प्रिंट है जो मैंने वेयर किया हुआ है। ठीक है मैम, ये भी मोडाल फैब्रिक में है, जो फैब्रिक मैं आपको बता रही थी। आप इसको फील करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, क्या डिफरेंस होता है रेयॉन में और मोडाल में। काफ़ी ए लाइन में लुक दिया गया है, साइड में गैदर्स के साथ आगे वुड बटन्स दिए गए हैं। ड्रेस की तरह वेयर कर सकते हो, बिना लेगिंग के वैसे वेयर कर सकते हो। देखिए ये भी कॉटन पॉपलिन फैब्रिक में है, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंट चाहिए होता है लोगों को, कुछ डिफरेंट चाहिए होता है तो हर कुर्ती में हम कुछ ना कुछ डिफरेंट देते हैं। इसमें आप देखेंगे थोड़े डिफरेंट प्रिंट्स यूज करके आगे थोड़ा पैनल पैटर्न में दिया है हमने, और प्लस बैक में मेटल बटन्स के साथ। ये देखेंगे आप, ये भी मोडाल फैब्रिक में है। प्लस इसको भी आप फ्रंट से देखेंगे तो इसका टू पीस वाला लुक है, वैसे अटैच है लेकिन आपको दिखेगा कि आगे से ओपन दिख रहा है तो आपको लगेगा कि नीचे टू पीस वेयर किया। ठीक है मैम, ये देखिए ये भी कॉटन पॉपलिन में है, आगे इसके दो पॉकेट्स दी हुई हैं। प्लस इसको भी ये अटैच है नीचे से, लग रहा होगा कि टू पीस है लेकिन अटैच है नीचे से, इनर और जैकेट वाला लुक आएगा इसका। ये थोड़ा सा शर्ट पैटर्न में है, आप देख सकते हो आजकल ड्रेस की तरह वेयर करते हैं लोग, शर्ट के साथ जीन्स के साथ वेयर कर सकते हो। थोड़े से गर्लिश लुक में भी है, चेक वाला पैटर्न फैब्रिक यूज किया है हमने, प्लस फीचर भी प्लीट की हुई है। ये तो शर्ट लग रही है प्रॉपर, वही सर आजकल सभी आजकल लड़कियाँ गर्ल्स इस टाइम सिर्फ ड्रेस की तरह वेयर कर लिया, जीन्स के साथ वेयर कर लिया, वैसे कर सकते हो। ये देखिए ये भी कॉटन पॉपलिन फैब्रिक में है, इसमें आगे जिप यूज की हुई है फ्रंट में और कॉलर के लुक में है, और इसमें भी काफ़ी डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंट यूज़ किया हुआ है। देखिए ये एक और यूनिक शेड है, थोड़ा सा कॉपर डस्ट वाला शेड है, आप देखोगे इसमें भी थोड़ा पैनल पैटर्न में डिफरेंट प्रिंट और कलर का कॉम्बिनेशन यूज करके बनाया हुआ है, बहुत अच्छा। ये देखिए ये भी कॉटन पॉपलिन में है, काफी डिफरेंट और सुंदर शेड है आप देख सकते हो, और इसमें भी आगे जिप दी हुई है पॉकेट के साथ है, और साइड में भी प्रिंट्स यूज करके इसको थोड़ा सा सिमेट्रिक सा डिफरेंट लुक दिया, बहुत अच्छा। देखिए भी थोड़ा ऑफ वाइट में है, इसका कॉलर का पैटर्न आप देख सकते हो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में है, प्लस ब्लैकेट है, और नीचे से जो आप देखोगे नीचे डिफरेंट फैब्रिक्स कॉटन साइडन फैब्रिक में हमने यूज करके इससे पेंटेक्स का लुक दिया हुआ है। वाह मैम, ये कॉटन शैम्बले फैब्रिक में है, स्लीवलेस कुर्ती है लेकिन सॉरी इसके अंदर शॉर्ट स्लीव्स आएंगी, और प्लस उसके थोड़े से थ्रेडिंग देके और थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक देके इसको ये लुक दिया, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। ये देखिए ये भी कॉटन पॉपलिन और मोडाल में हमने बनाया है, थोड़ा ए लाइन में है, प्लस आगे आप देख सकते हो इसमें दो पॉकेट्स हैं, इसको ड्रेस की तरह भी वेयर कर सकते हो, कुर्ती की तरह भी कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो। ठीक है मैम, ये स्टाइल आप देख सकते हो, ये टू पीस में है जी। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये स्लीवलेस जैकेट है, हाँ हाँ। और नीचे से ये इनर आएगी, ये श्रग है, ये नीचे इनर है, इनर है, और ऊपर से ये श्रग जैकेट आएगी। ठीक है, और ये देखिए ये भी सेकंड जो स्टाइल है, मोस्टली मैं आपको टू पीसेस थोड़े डिजाइनर पीसेस दिखाने वाली हूँ, ये नीचे से इनर आएगी और ऊपर से इसकी ये जैकेट है। वाओ मैम, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में बहुत ही स्मार्ट लुक आता है इसका, और लोग मिक्स मैच करके वेयर कर सकते हैं। ये भी आप देख रहे हो इनर अपने आप में काफी स्मार्ट है, कॉलर के साथ पिंटेक्स के साथ बनाए हुए हैं। ये देखिए ये भी टू पीस में है, नीचे से ये इनर आएगी वाइट स्लीव्स के साथ इनर आएगी जी। और ऊपर से ये जैकेट है, वाओ स्लीवलेस जैकेट है, ओपन जैकेट आएगी, ऊपर एक बटन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक में है, नीचे आप देखेंगे ये जो शर्ट आपको दिख रही है नीचे इनर के तरीके से आएगी, जैकेट के साथ ही इनर दी हुई है, प्लस ऊपर से ये जैकेट आएगी। ये आप पूरा देखिए नीचे पॉकेट्स के साथ दिया हुआ है,
और थोड़ा वेस्टर्न से लुक में है कि आप ड्रेस की तरह भी वेयर कर सकते हो, कुर्ती की तरह भी कर सकते हो। और इसके बैक का भी ये लुक है, बहुत अच्छा। इसमें भी एक मेरे पास सेकंड कलर है, एक मस्टर्ड कलर था और ये सेकंड कलर है इसका। इसके साथ भी इनर सेम है और प्लस ये जैकेट है। बहुत अच्छा मैम, वेरी नाइस। ये ब्लेजर आ गए हैं, ये देखिए, ये भी टू पीस में है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये जैकेट है, इसको थोड़ा सा वेस्टर्न लुक दिया गया। साइड में आप देखोगे थोड़ा सा हल्का सा प्लीट्स वगैरह डाल के इसको थोड़ा डिफरेंट लुक दिया गया। कॉलर के साथ है ये, ऊपर से जैकेट आएगी और नीचे इसके नीचे स्लीवलेस इनर है। बहुत अच्छा है। ये भी टू पीस में है, ये भी डिजाइनर पीस में आएगा। ऊपर से आप देखोगे ये जो जैकेट है कॉलर के साथ है, प्लस इसमें एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है। ठीक है मैम, ये ऊपर से ये आएगा और नीचे से ये इनर आएगी, गैदर्ड इनर। बहुत बढ़िया। ये देखिए सर, ये नीचे जो इनर है आप देख रहे हो, इसके भी काफी डिफरेंट शेड है। ये नीचे इनर आएगी और उसके ऊपर ये जैकेट है, ओपन जैकेट है। इसके साथ कॉम्बिनेशन देखिए, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छा। ये देखिए, ये भी टू पीस में है। ये ऊपर शॉर्ट जैकेट दी हुई है, आगे आप देखोगे एक बटन दिया गया है और नीचे से ये इनर आई। वेरी नाइस। ये भी टू पीस में है, नीचे ये कॉटन में इनर है, स्लीवलेस इनर है और ऊपर से ये जैकेट है। बहुत अच्छा। ये थोड़ा सा बांधने वाला अंग का लुक जो होता है, ये थोड़ा कुंग फू टाइप की लग रही है मैम। कुंग फू तो नहीं है लेकिन हाँ, थोड़ा डिफरेंट लुक है इसका। आगे कॉलर के साथ नीचे आगे से बंध के इसके डिफरेंट लुक है। ठीक है, वेरी नाइस। ये जो है ये आप दोनों तरीके से वेयर कर सकते हो। ये जो ऊपर शॉर्ट आपको दिया गया है, आप नीचे ऊपर श्रग की तरह वेयर कर सकते हो, लाइक आपने ऊपर जैकेट डाल ली है, या फिर उसके नीचे से भी वेयर कर सकते हो कि नीचे आप इनर डाल ली, ऊपर से ये जैकेट की तरह वेयर कर लिया। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, टू इन वन। ये भी टू पीस ही है। ये ऊपर से जो मैं दिखा रही हूँ ये इनर आएगी और ये नीचे जैकेट है। ठीक है, स्लीव्स के साथ इनर है और प्लस स्लीवलेस जैकेट आएगी ओपन। ये भी टू पीस में है, ऊपर से ये जैकेट है जो ओपन में जैकेट दी हुई है, शॉर्ट जैकेट है, स्लीव्स के साथ है और नीचे ये इनर है। ठीक है मैम, इसमें मेरे पास एक और शेड है, लाइक ये जैकेट में जो ये थोड़ा सा ब्लू शेड में आ रहा है, मेरे पास एक ब्लैक शेड में। ठीक है मैम, देखिए बहुत ही डिफरेंट शेड है, आप देखोगे ना काफी डिफरेंट शेड है। और इसमें जो देख रहे हो आप ये पॉकेट्स के साथ है, दोनों पॉकेट्स है, प्लस फ्रंट में जिपर दी हुई है और शेड बहुत ही डिफरेंट शेड है इसका। बहुत अच्छा, हल्का सा स्ट्राइप्स के साथ सेम शेड हमने करके ये लुक दिया हुआ। ये देखिए भी कॉटन पॉपलिन फैब्रिक में, कॉटन पॉपलिन प्लस कॉटन हैंगिंग बोन का मिक्सचर है इसमें, और फ्रंट में इसको प्लैकेट के साथ मेटल बटन के साथ इसका ये लुक दिया। बहुत अच्छा मैम। कॉटन में है, बस इसका फ्लेयर देख सकते हो, इसका कितना फ्लेयर हमने दिया हुआ है कि वेयर कर सकते हो आप इजीली, पार्टी में वेयर कर सकते हो इसके साथ कुछ लेके। कॉलर का लुक है, आगे वुड बटन्स दिए हुए हैं, फॉल जो आ रहा है इसका बहुत ही स्मार्ट फॉल आ रहा है। एक ये प्रिंट है इसमें, एक मेरे पास प्रिंट है, दो प्रिंट्स है इसके अंदर, दो बहुत अच्छा। अभी मैंने आपको कॉटन की सिल्की वैरायटीज दिखाई हैं, कई लोग विंटर का भी डिमांड कर रहे हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चर होके पहुंच चुका है, लेकिन आफ्टर दिवाली हम लोग वो लॉन्च करने वाले हैं, तो जिसको अगर चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है, तो दिल्ली आके जो ले सकता है वो ले सकता है, वो बाकी जो हम वीडियो में लॉन्च करेंगे वो दिवाली के बाद करेंगे। बहुत बढ़िया मैम, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।